फ्रेंड्स नमस्कार, एरावर्ड में आपका स्वागत है। आप लोग कहते हैं पढ़ाई लिखाई आप लोगों की कैसे चल रही है? अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए जो है, और पेपर कोई ना कोई लगेगा ज़रूर अप्रैल मई में, तो आप लोग लगातार जो है पढ़ते रहिए। बाकी जैसा कि एरावर्ड की टीम आपके लिए पूरा लगी हुई है, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। इतना ही प्यार और सहयोग चाहिए, ये हमारा नंबर दिया गया है, और संपर्क करके जो है आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और जो भी कोर्स हमारे जो है लॉन्च हुए हैं अगर उनसे आप जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबरों से आप संपर्क करके जुड़ जाइए। ठीक है, तो आज जान ही रहे हैं, आज 7 मार्च है, तो आज हम 6 और 7 मार्च दोनों का करंट अफेयर। वैसे 6 को संडे था तो मतलब ज़्यादा करंट अफेयर होता नहीं है, जो जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं मैं उसको आज लेकर आ गया हूँ। इसको देखिए करंट अफेयर को, प्लस जब कल सुबह जो 11 AM पर जो है सबसे पहले करंट अफेयर का टेस्ट लगाइए, और फिर अपने आप को आँकिए आपने कितना पढ़ा और आपको कितना नॉलेज हुआ। आज का करंट अफेयर बता दें, आज थोड़ा सा नया हमने बनाया है, तो आप देखिए इस करंट अफेयर में कुछ नया क्या होने वाला है। ठीक है, आइए चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। से हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलन बालब्रिज लैंड जूनियर का निधन हो गया, वह कौन से पुरस्कार विजेता थे? ग्रैमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, पुलित्जर पुरस्कार, मैथमेटिक्स अवार्ड। तो ये कौन से पुरस्कार विजेता थे? ये ऑस्कर अवार्ड विजेता थे। ठीक है, आइए दिखाते हैं, इसका हमने आज एक्सप्लेनेशन भी लगाया है। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे पहले लिख के आप लोगों को बताते थे, उसी क्रम में आज हमने ये क्या किया है कि एक एक्सप्लेनेशन भी लगाया है। जैसे व्याख्या में हमने लिखा है कि यह एक ऑस्कर विजेता थे, 1995 में ब्रेव हार्ट के लिए जो है इनको यह पुरस्कार मिला था। यह जो ऑस्कर पुरस्कार मिला था वो किसके लिए मिला था? ब्रेव हार्ट के लिए। ठीक है, और आप अगर किसी भी पेपर में हो सकता है कि पूछ लिया जाए इनका दूसरा नाम क्या था, इनको प्यार से लोग लॉर्डी कहकर पुकारते थे। ठीक है, क्या कहते थे? लॉर्डी कहकर पुकारते थे। पहला क्वेश्चन उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा, व्याख्या के साथ आप लोग पढ़ सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? दीपिका पादुकोण, प्रीति जिंटा, ऐश्वर्या राय, विद्या बालन। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? विद्या बालन जी को बनाया गया है। आइए अब इसके बारे में और भी जो एक्स्ट्रा जानकारी है उसको हम आप लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं। चलिए देखिए, ये हमारी क्या है, व्याख्या है, विद्या बालन बनी है। अच्छा, इसके MD और CEO कौन है? तो नाम याद रखना, क्या नाम है इनका? पराग राजा। और इस जो है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना कब की गई थी? 2007 में की गई थी। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी आपको जो है बाद में पढ़ना होगा तो आप इसको क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गंगा कायाकल्प के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड किसे मिला? यमएनसीजी, एनएमसीजी, सीजीएनएम, एनएमजीसी, किसे मिला है? देखिए, मेरा उद्देश्य इस क्वेश्चन का ये देना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हो सकता है कि कहीं पे इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या आप लोगों को दिखा देते हैं। तो इसका व्याख्या देखिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसके महानिदेशक कौन हैं? जी अशोक कुमार जी हैं। ध्यान रखना, अगर मान लो कहीं क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए हैं? अशोक कुमार जी बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
किस मंत्री ने टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री, शिक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री, गृह मंत्री। तो किस मंत्री ने टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री। ठीक है, आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को व्याख्या दिखा देते हैं और एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए व्याख्या ही क्या कहता है। व्याख्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे एवं संचार मंत्री कौन है? हमारे श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। ठीक है, डिजिटल पहल बढ़ाना, डिजिटल प्लेटफॉर्म और समाधान, ये सब क्या है इसके उद्देश्य हैं? आईटी उद्योग का उन्नयन करना। ठीक है, पूरा व्याख्या में स्पेशल तरीके से क्या किया गया है, लिखा गया है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यफ यस आर यू हुएंग जायंट जयगढ़ टर्मिनल किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, गोवा में या केरल में? यह कहाँ पर स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानकारी देते हैं अपने व्याख्या से। देखिए व्याख्या में इसके बारे में क्या लिखा गया है। यह भारत का पहला FSRU टर्मिनल कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। यह कहाँ से आया है? सिंगापुर से आया है। आपको बता दें यह 2017 में बना था और FSRU का फुल फॉर्म जरूर आप याद रखिए, फ्लोटिंग स्टोरेज रिकैक्सिकेशन यूनिट। ठीक है, हो सकता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो, यहाँ पे लिखा भी गलत हो सकता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 1,70,000 लगभग, ठीक है, 1,70,000 क्यूबिक मीटर इसकी क्या है, क्षमता है। ठीक है, महाराष्ट्र की LNG सुविधा यहाँ पे क्या की गई है, शुरू की गई। कब बना ये? देखो 2017 में बना, ध्यान रखना। इन सब क्लू होते हैं, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्या होता है, क्लू होता है, आप लोग उसको जरूर याद रखा कीजिए। उसका बैकग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड याद करना। कहाँ से आया है ये? सिंगापुर से आया है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये थोड़ा सा यहाँ पे 6 विश्व कप, ठीक है, ध्यान रखना है, 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला कौन बनी है? कौन बनी है? मिताली राज बनी है। कौन बनी है? मिताली राज। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये 6 विश्व कप कब कब खेली हैं। तो देखो कब कब खेली हैं मिताली राज जी, 2000 में, 2005 में, 2009 में, 2013 में, 2017 में, 2022 में। और झूलन गोस्वामी ये भी हमारे ही देश की महिला क्रिकेटर हैं। ठीक है, ये किस क्या है, दूसरे स्थान पर हैं। इन्होंने कितने विश्व कप खेले हैं? 5 विश्व कप खेले हैं। ठीक है, याद रखना, कितने विश्व कप खेले हैं? 5 विश्व कप खेले हैं। ठीक है, और इसके बारे में और क्या जानकारी दूं कि न्यूजीलैंड में अभी जो है विश्व कप हो रहा है। ठीक है, तो कल था 6 तारीख, और 6 तारीख को हमारा भारत जो है जीत हासिल किया, और किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। ठीक है, जो क्रिकेट प्रेमी होंगे वो लोग देख रहे होंगे और इस पर बराबर नज़र बनाए होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय जन औषधि दिवस कब मनाया गया? 5 मार्च, 4 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च। तो ये भैया कब मनाया गया? ये आज मनाया जा रहा है, यानी कि आज कितनी डेट है, आज 7 तारीख है, और 7 तारीख को यह दिवस मनाया गया। इसके बारे में जो है बता देंगे, पहली बार कब मनाया गया था, ये पहली बार 2019 में मनाया गया था, और इसकी जो थीम है, थीम के बारे में देखिए, हमने व्याख्या के रूप में इसको रखा है। 7 मार्च थीम जन औषधि जन उपयोगी। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है जिससे जो जेनरिक हमारी दवाएं होती हैं, जो हमारी जेनरिक दवा होती है, ठीक है, उसके उपयोग के जो बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है, और उसकी थीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इसकी थीम क्या है? जन औषधि और जन उपयोगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने, कौन नियुक्त किए गए हैं? संजीव कुमार, संजीव कपूर, संजीव भटनागर, संजीव अवस्थी, बताइए कौन बने हैं। देखो मतलब नाम में कन्फ्यूजन किया पैदा किया जा सकता है, ठीक है, तो कौन बने हैं ये? संजीव कपूर, ध्यान रखना कौन बने हैं, संजीव कपूर जी बने हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो उसको हमने जो लगाया है व्याख्या में। तो संजीव कुमार जी बने हैं, संस्थापक इसके कौन थे? नरेश गोयल जी थे, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1992 को हुई थी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, जो भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जो लोग नहीं नोट्स बनाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और उसको बाद में अपना पढ़ लिया कीजिएगा। द ब्लू बुक के लेखक अमिताभ कांत, अमिताभ कुमार, सुमित कुमार, सर्वेश कुमार, तो बताइए। ब्लू बुक अभी एक नई पुस्तक लिखी गई, तो अमिताभ कुमार ये ब्लू बुक के क्या हैं? लेखक हैं। ये क्या है? एक पत्रकार हैं, पत्रकार हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं ये देखिए, हॉपर कॉलिंग्स, ये हॉपर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा इसको क्या किया जा रहा है? प्रकाशित किया जा रहा है। और इस पुस्तक में जो भी विवेचना की गई है, जो हमारा अभी लॉकडाउन लगा था महामारी से, जो हमारा लॉकडाउन लगा था महामारी के कारण, ठीक है, तो उस पर जो है लेखक एक डायरी का परिणाम जो है, डायरी वायरी लिखते थे उसका परिणाम, उसके बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, तो उसी में जो है ये पुस्तक उसी के ऊपर लिखी गई है कि किस तरीके से लोगों का जीवन उस समय कठिनाइयों से गुजर रहा था, ठीक है। और यह एक पत्रकार हैं, तो जो है इस तरीके से जो है जानकारी इसमें दिए हैं लॉकडाउन से रिलेटेड महामारी के। आइए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन हमारा है। CISF ने 6 मार्च को अपना कौन सावा स्थापना दिवस मनाया? 52, 53, 54, 55, तो कौन सा दिवस मनाया? अब ये तो न्यूज में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, 53, ठीक है, इम्पॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है, इसके महानिदेशक जो हैं सीलवर्धन सिंह जी हैं। अच्छा, अगर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो मतलब बताया जा सकता है ना, फुल फॉर्म, फुल फॉर्म क्या होता है इसका? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ध्यान रखना सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है व्याख्या के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए 53 यूपी के गाजियाबाद में मनाया गया, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, इसके महानिदेशक सील सिंह जी हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो करंट अफेयर है यहीं पे समाप्त होता है, ठीक, आगे, हाँ, आज यहीं पे हमारा करंट अफेयर समाप्त हो रहा है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो बाकी चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप देखते हैं कि मैं बीच बीच में कभी भी जल्दी बोलता नहीं हूँ, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और फिर जो है हमारी टीम को थोड़ा सा, हमारे परिवार को और आगे बढ़ाइए, ठीक है। बाकी लगातार आपको कोई ना कोई वीडियो जरूर मिल रहा है, अब अपना सहयोग देते रहिए। चलिए फिर चलते हैं, कल नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, जो है 11 AM पर आना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।